हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे एक सब्सक्राइबर जयश्री जी ने हमें बोला था इंडियन फ्लैशर टर्टल के बारे में वीडियो बनाने के लिए, तो अभी मैं एक शॉप पे जा रहा हूँ, उनसे पूछूंगा कि कैसे पालते हैं और क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसको पालने की। फ्रेंड, हम आ चुके हैं दुकान पे। शॉप की नाम है न्यू भोपाल फिश एक्वेरियम, जो कि रविदास नगर भोपाल में सिचुएटेड है, निजामुद्दीन कॉलोनी में। अभी चल के हम आरिफ भैया से मिलते हैं। आरिफ भैया हमें बताएंगे कि इंडियन फ्लैशर टर्टल को कैसे रख सकते हैं और क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये आप शॉप देख सकते हैं, बहुत सारी यहाँ वैरायटी मिल जाएगी फिश की। अभी लगता है माल नहीं है ये फिश की, बट सबसे प्यारी फिश यहाँ आप देख सकते हो। चलिए, फिश को हम बाद में कवर कर लेंगे, अभी पहले भैया से मिलकर बात कर लेते हैं। हाय भैया, कैसे हैं आप? कैसे? हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया भैया। भैया, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनको इंडियन फ्लैशर टर्टल के बारे में जानकारी चाहिए। उसको कैसे मतलब पालते हैं, कौन सी टेम्परेचर चाहिए उसके लिए, खाना कौन कौन सा देना है, ये सब। उनकी टर्टल की साइज़ मतलब 3 से 4 इंच के। देखिए, सर्दी का टाइम है, सर्दी का टाइम जो होता है टर्टल के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होता है जी। और मेन इस टाइम उनको चाहिए होती सनलाइट, उनको अपन को सूरज की रोशनी में रखना है। और जी, दिन में लगभग 2 से 3 घंटे तक सूरज की रोशनी में रखते हैं, सूरज की गर्मी उनको देनी पड़ती है। और अगर किसी रीज़न से अपन इनको एक्वेरियम में रखते हैं जी, तो एक्वेरियम में 28 डिग्री टेम्परेचर अपन को रखना पड़ता है जी। 28 डिग्री अगर हीटर लगाएं तो 28 डिग्री पे फिक्स कर, 28 डिग्री टेम्परेचर रखे उसको हीटर लगाएं। और मेरा मानना ये है कि उसको 2 या 3 घंटे के लिए ही पानी में डालें जी। उस टाइम पर उसको फूड डालें और वो 28 डिग्री टेम्परेचर में उसकी इच्छा होगी तो वो फूड लेगा, अदरवाइज वो नहीं लेगा। तो भैया मतलब जैसे 2-3 घंटे ये गर्मी के लिए भी है या केवल ठंड में? ये केवल ठंड में, ठंड में ऐसा बाकी का टाइम जो होता है बहुत डिफिकल्ट होता है उसके लिए। क्योंकि मतलब इंडियन फ्लैशर टर्टल और बाकी टर्टल्स में कुछ तो डिफरेंस होता है रखरखाव में। उनको नेचर वाइज उनमें कोई डिफरेंस नहीं कहते, नेचर वाइज सारे ये सब कोल्ड ब्लड होते हैं जी, तो इनको नेचर वाइज इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। और खाना में क्या क्या दे सकते हैं? खाने में नॉर्मली उनका फूड आता है वो दे सकते हैं, मील वॉर्म्स दे सकते हैं और आपका ट्यूबिफिक्स वॉर्म्स दे सकते हैं। और इसके अलावा झींगे आते हैं, प्रॉन्स आते हैं, वो दे सकते हैं। नेचुरल डाइट जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो बनस्पत ही आदि। जैसे बहुत कोई बोलते हैं कि मतलब वो वेजिटेबल्स नहीं खा पाते हैं इंडियन फ्लैशर टर्टल, नहीं उनको हैबिटेट करना पड़ता है, जब वो हैबिचुअल हो जाते हैं तो फिर वो वेजिटेबल्स खाते हैं। नॉर्मली वो नहीं खाते, नेचुरली में वो वेजिटेबल्स नहीं खाते, लेकिन अगर अपन उनको जब नॉर्मल सीजन जैसे गर्मी का सीजन उनके लिए अच्छा होता है उस टाइम पर उनको फूड 1-2 दिन ना देकर और फिर उनको वेजिटेबल में कन्वर्ट करेंगे तो वो आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वही कि उसको धूप मिलनी चाहिए। बस बस मेन जो है सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ धूप है, धूप से उनके अंदर एनर्जी आती है। अगर सनलाइट नहीं हुआ तो मतलब कोई हीट करने का कोई और तरीका? वैसे भी यूवी लाइट आ सकती है, यूवी लाइट से भी उसको हीट दे सकते, यूवी लाइट लगा सकते हैं उसमें, वो लगा सकते हैं। हीटर से भी जो आता है रूम हीटर आता है उससे भी उसको गर्मी मिलती है, लेकिन सनलाइट बेस्ट है। और उसके साथ साथ मतलब और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो कवर की जा सकती है मतलब पालने के लिए? देखिए, सबसे मैंने जैसा बोला कि सबसे क्रिटिकल टाइम ठंड का ही होता है, ठंड में उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है। मतलब अभी सब्सक्राइबर्स की प्रॉब्लम है ये कि खाना नहीं खाते हैं वो लोग ज़्यादा? नहीं नहीं, खाने की चिंता ना करें, वो अपने डाइट को 10% ही कर देते हैं नॉर्मल ठंड के खाना खाते हैं। हाँ, और उनकी बॉडी की एक्टिविटी भी 90% ही कर देते हैं और उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर सनलाइट प्रॉपर नहीं आ पा रही तो वहाँ अल्ट्रा वायलेट लाइट लगा सकते हैं? हाँ, अल्ट्रा वायलेट लाइट लगा सकते हैं। ये मार्केट में अवेलेबल होती है भैया? बिल्कुल मिल जाती है, यूवी लाइट के नाम से। लगभग किस रेंज की होती होगी? तकरीबन 600 रुपये के आनी चाहिए। और कोई जानकारी? और खाने में? और खाना तो हम लोग हो गया, डिस्कस कर लिया। और क्या क्या? पानी में रखें, पानी में मतलब कम पानी में, ठंड के दिनों में मतलब जैसे 24 आवर्स में 2 आवर्स ही उसको पानी में रखें, वो भी 28 डिग्री का हीटर लगा के उसमें रखें उसको, और उसके अंदर उसी टाइम उसको फूड दे दें, बाकी 22 घंटे उसको पानी बाहर ही रखें। अब रूम हीटर में रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उसके अलावा दिन में किसी भी समय जब सूरज निकलता है उस टाइम उसको सूरज की रोशनी, या फिर टैंक में है तो टैंक में लाइट लगा ले, अल्ट्रा वायलेट लाइट। हाँ, लगा सकते हैं। और क्या क्या जो मतलब अभी जैसे प्रॉब्लम आती ठंड के दिनों में, उनके बॉडी के ऊपर एक स्केल जैसा फॉर्म हो जाता है, मतलब स्किन के ऊपर एक वाइट कलर लेयर फॉर्म हो जाती है उनके ऊपर, वो किस वजह से होती है? वो ऐसा कोई इशू नहीं होता ठंड के लिए, ठंड में नहीं होती है वो, किसी भी सीज़न में हो जाती है। वो ये बोल सकते हैं एलगी टाइप का उसको आ जाता है वो, तो आप अगर टूथब्रश से साफ करेंगे तो साफ भी हो जाएगा, वो टूथब्रश से साफ कर देना चाहिए, उससे उसकी बॉडी पर कोई दिक्कत नहीं आती।
शेल्क अगर उसके नरम पड़ रहे हैं, अगर उसको दबा के देखेंगे अपन उसके नरम पड़ रहा है तो उसके लिए टर्टल कंडीशनर आता है, वो उसके पानी में डाल देंगे, कैल्शियम रहता है उससे उसके वो मतलब एक डब्बे आती है उसके क्या बोलते हैं उसको, वाइट कैल्शियम टर्टल कंडीशनर, वो अलग से आती है। हाँ वो अलग आती है। वो कब कब डालना जरूरी होता है? वो जब अपनों लगने लगे कुछ अनकम्फर्टेबल हो रहा है वो नॉर्मल सीजन में, और उसके जो ऊपर शेल्क होते हैं वो ढीले पड़ रहे हैं, लूज हो रहे हैं, नरम नरम लग रहा है, तो दबाने से महसूस हो रहा है कि हार्ड में कुछ कम हो गई है। तो वो डब्बा कितने का आता होगा? वो तो 80 रुपीज़ का, 60 रुपीज़ का। और डालना कितने अमाउंट में है? वो अमाउंट में नहीं आता, वो एक पीस पर्टिकुलर पीस आता है उसे पानी में डाल देते, वो घुलता जाता है, उसी से उसको फूड भी मिलता है प्लस उसकी बॉडी को कैल्शियम भी मिलता है। चलिए ठीक है भैया, तो मतलब ये सब बेसिक पॉइंट्स है, ये बेसिक पॉइंट। इसके बाद फिर भी अगर कोई मतलब इंक्वायरी होगी तो बाद में सब्सक्राइबर हमसे पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है भैया, बाद में हम आपकी फीस का वो दुकान का भी कवर कर लेंगे। चलिए, और ये सब भैया वो टर्टल फूड है? ये टर्टल फूड की वैरायटी है, फिश फूड की वैरायटी है। अभी टर्टल का देख लेते हैं हम लोग। ये डब्बा कितने का आता है? 40 रुपीज़ का बेचते हैं। 40? कितना अमाउंट है वो? 45 ग्राम से। 45। और ये बड़ी वाली? ये टायो का टर्टल फूड है, 250 का आता है। कितना ग्राम है? 500 ग्राम। तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे फूड भी अवेलेबल हैं। और ये वाली भैया? ये डिस्कवरी का इकोनॉमी पैक है। अच्छा, ये हाफ के जी में है, ये भी हम 250 का देते हैं। चलिए सब्सक्राइबर्स, आप रेट भी देख सकते हैं यहाँ पे, अलग अलग वैरायटी के अलग अलग रेट्स हैं। और ये भैया थोड़ी अलग दिख रही है, क्या है ये? भी नॉर्मल ही है, ये भी 50 रुपीज़ फूड ही है, वो टर्टल फूड ही है। चलिए ठीक है भैया, फिर अब बाकी की इंक्वायरी जब होगी तब हम देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भैया। ओके सर। तो आप देख सकते हैं हमने वो टर्टल की वीडियो बनाई है, आगे फिर हम उनके फीस शॉप की भी एक अलग सी वीडियो बना लेंगे, जिसमें हम सारे फीस और जो इक्विपमेंट्स होते हैं एक्वेरियम के वो सब आपको कवर कर लेंगे। अभी इसके बाद भी अगर आपके अंदर कोई इंक्वायरी हो, कुछ जानना हो टर्टल्स के बारे में, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए थैंक यू।